नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में। तो आपको पता है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 10 अगस्त को सभी को 1500 रुपये आने वाले थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं को ये हुआ है कि उनको 1250 रुपये ही आए हैं, 1500 रुपये उनको नहीं आए। तो किस कारण से नहीं आए हैं, किस वजह से नहीं आए हैं, इसकी डिटेल में जानकारी यहाँ पर आपको देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार होगा खास, 10 अगस्त को बहनों खाते में आएंगे 1500 रुपये। तो यहाँ पर जो 10 अगस्त को 1500 रुपये आने वाले थे वो बहनों के खाते में नहीं आए, बल्कि 1250 रुपये ही आए हैं। तो किस कारण से नए हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देने वाले हैं। और यहाँ पर ये जो आपको 1500 रुपये मिलेंगे, ये कैसे मिलेंगे, वो भी डिटेल में जानकारी आपको देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं परेशान हो रही हैं कि उनको 1500 रुपये की जगह उनको 1250 रुपये ही आए हैं। क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि दो तरीके से आने वाली थी, जो कि 1500 रुपये आपको आने वाले थे। तो यहाँ पर जो 1250 रुपये आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के और 250 रुपये की राशि जो है वो सावन महीने में शगुन के उपहार में राखी का उपहार दिया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर कि 1250 रुपये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के और 250 रुपये रक्षाबंधन के स्वरूप उपहार। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 1500 रुपये आने वाले थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं के अभी तक जो है 1250 रुपये ही आए हैं। तो किस कारण से ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में बहुत सारी महिलाएं परेशान हो रही हैं। तो इसी कारण ही यहाँ पर हमने वीडियो बनाया है, ताकि यहाँ पर आपको डाउट क्लियर हो जाए कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जो 1500 रुपये आने वाले थे वो यहाँ पर 1250 रुपये ही आए हैं। तो किस कारण से आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की एक जानकारी आपको देने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे और हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में जो ये राशि है ये अलग अलग डाली गई है। जैसे यहाँ पर 1250 रुपये की राशि है वो बहनों के खाते में अलग डाली गई है, और जो 250 रुपये की राशि है वो अलग डाली गई है। दोनों कुल मिलाकर 1500 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, वो साथ में नहीं डाला गया है। अगर वो पेमेंट अगर साथ में डलता 1500 रुपये तो आपको साथ में ही आता, लेकिन यहाँ पर इस पेमेंट को अलग अलग डाला गया है। 1250 रुपये पहले डाले गए हैं, फिर 250 रुपये का जो राखी उपहार था वो बाद में डाला गया है। तो इसी कारण से अभी तक बहुत सारी महिलाओं को 1250 रुपये आए हैं, लेकिन यहाँ पर 250 रुपये अगर नहीं आए हैं तो आप चिंता ना करें, आपके जो 250 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। क्योंकि जितनी भी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जितनी बहनें हैं, जिन बहनों को 1250 रुपये मिले हैं, उन सभी बहनों को 250 रुपये भी मिलेंगे। तो आप चिंता ना करें, जब आपका जो पेमेंट है अगर अभी तक नहीं आया है तो जल्द ही आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, उसी बैंक अकाउंट में आएगा जिस बैंक अकाउंट में आपके 1250 रुपये आए हैं। तो आपको यहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के 1500 रुपये पूरे मिलेंगे आपको, जो 1250 रुपये वो और 250 रुपये वो, दोनों कुल मिलाकर 1500 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी, कैसा लगा वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे नई नई वीडियो देखने को मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से तरह, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।